बहुत आपको स्वागत करते हैं हम लोग, और दूसरी बात कि बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू। खास तैयारी की थी अपने ड्रेसिंग में आज स्पेशली। ये एक नया डिज़ाइनर है जावेद, पढ़ता हुआ, उसने कुछ तकसीरों बना के भेजे हैं। तो जावेद, आई एम लुकिंग नाइस। बिग बॉस रीयूनियन एक तरह से कह सकते हैं, नाइट को बोला गया कि बिग बॉस रीयूनियन, तो कितनी यादें ताज़ा हुई भाई? और अभी के बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हैं क्या? दोनों सवाल पूछे। अभी का बिग बॉस मैं आज थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि अभी व्हाट्सअप पे, यहाँ पे, ट्विटर पे आ ही जाता है। बचना चाहो तो बच नहीं सकते हो। बिग बॉस क्या लगता है भाई, इस बार कुछ ज़्यादा ही धमाल नहीं हो गया? आपने तो धमाल मचाया था, उसके बाद अभी जो चल रहा है वो देखने के बाद क्या कुछ जहन में आ रहा है आपके? मुझे सच कहूँ, मुझे विकास, आरसी और हीना, ये तीनों बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये लोग जिंदा नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग सब छिछोरापंती कर रहे हैं। और क्या होता है, मैं ये कहूँगा कि अगर प्रियांक बिना शर्ट के घूमता है तो लड़कियों को भी पूरा हक है। ये देखने वालों की आंखों पे होता है, लड़कियों के कपड़ों पे नहीं होता है। तो लड़कियों को जो चाहे वो पहन सकती है, उनकी छूट है, उनकी लाइफ है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। जितना लड़के फ्रीली घूम सकते हैं उतनी लड़कियाँ भी घूम सकती हैं। बिग बॉस हमेशा से अनफेयर रहे लोगों के साथ, हमारे साथ भी अनफेयर रहे, आप बताइए भाई। लेकिन एक चीज़ हमने देखी कि अभी तक सोशल साइंस में देखा कि भाई बार बार जबानी वार जिसके साथ पूरी इतिहाद और इस चाल में मौजूद है। ठीक है यार, अब क्या करेंगे, मौजूद है, ये तो है कि जहाँ जाना है वहाँ मिलना ही है लोगों से। देखो, राजनीति और फिल्म इंडस्ट्री, इसमें तुम्हारी दुश्मनी ज़्यादा देर तक रहती थी, कहीं ना कहीं तुम्हारा मिलना हो ही जाता है और वो हो जाता है। लेकिन अभी उसने मुझे कहा कि लकीर का फकीर पार्ट टू, लकीर का फकीर का डायरेक्टर वही है ना, तो उसने कहा लकीर का फकीर पार्ट टू रेडी है और मैं तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ऑफिस आओ, मिलते हैं प्रोफेशनली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने देखा भाई, आज थोड़ी दूरियाँ नजर आ रही है पार्टी में। हाँ, क्या ऐसा लग नहीं रहा कि साथ में आना चाह रहे हैं? मन में है अभी भाई, वो देखो रहता ही है, कुछ ना कुछ तो दिल में रहता ही है। और जो बात दिल को पसंद ना आए उससे दूर ही रहना बेटर। भाई आपका गाना आ रहा है अभी, हमने और गाने के बारे में बताना चाहेंगे आपको। अच्छा, गाना आ रहा है? हाँ, गाने का एक बोली गाना है और जी म्यूजिक के साथ गाना है। मेरे बोल मेरे जज्बातों को बड़ा बयां करते हैं, तो ये भी सच है, बहुत सच है जी। भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।